ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट करना टोटली गलत चीज़ होगा, बिकॉज KTM ने माइलेज के लिए ये बाइक बनाया ही नहीं है। KTM स्टैंड्स नेक्स्ट टू परफॉर्मेंस। हेलो एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ GT650 का माइलेज टेस्ट। आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ नॉट GT। KTM ड्यूक 390 2024 का माइलेज टेस्ट। वेल, ये वो 1 लीटर का बोतल में लगा के करने वाला माइलेज टेस्ट नहीं है, बिकॉज फ्यूल इंजेक्टर्स वाले बाइक्स में आप उससे एक्यूरेटली नहीं बता सकते हो, एंड मोर ओवर उससे आपके बाइक में प्रॉब्लम भी आ सकता है, स्पेशली फ्यूल इंजेक्टर में। एंड फ्यूल इंजेक्टर ख़राब होने से आपको बहुत ही लंबा खर्चा लगने वाला है। सो अगर आपको लग रहा होगा कि मैं 1 लीटर का बॉटल में ऑयल डालकर उसका माइलेज टेस्ट करूँगा, तो आप गलत चैनल पर आए हो, बिकॉज मैं ये सब टेस्ट नहीं करता हूँ। मैं बाइक को कुछ दिन चलाता हूँ, फुल टैंक टू टैंक मेजर करके आपको एक्यूरेटली बता देता हूँ कि इसमें कितना मुझे माइलेज मिला है। सो राइडिंग इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस, मुझे इस बाइक से 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकल गया। अब अगर ये चीज़ हाईवे में होगा, हमें हाईवे में ऑलमोस्ट 28 to 29 भी मिला है, एंड दैट टू क्रूजिंग एट 100, 110, 120 किलोमीटर्स पर आवर। तो माइलेज वाइज आई थिंक KTM का सबसे इम्प्रेसिव मोटरसाइकिल ये है अब तक। ऑल द बींग 398 cc, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, बट इससे आपको अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है। सो पहले चीज़ है, KTM लेने के पहले दिमाग में बैठा लेना कि आपको बहुत वो बुलेट क्लासिक जैसा और माइलेज नहीं मिलने वाला कभी। अगर आप वो थिंकिंग लेके चलाओगे तो आप KTM मत खरीदना, दैट इज़ माई सजेशन फॉर यू। आई थिंक दिस फिगर इज़ प्रीटी गुड, सिटी यूज़ और इसके यूज़ के हिसाब से बहुत अच्छा फिगर है, और इसको अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो थोड़ा, जो कि पॉसिबल है, उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको एकदम पेशेंस से चलाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे चलाओगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई KTM ओनर होगा, होगा शायद, बहुत कुछ कुछ लोग होते होंगे जो बहुत प्यार से चलाते हैं, आई टोटली रिस्पेक्ट देम, बट माइलेज इस बाइक से एक्सपेक्ट करना, बहुत ज़्यादा माइलेज एक्सपेक्ट करना टोटली गलत चीज़ होगा, बिकॉज KTM ने माइलेज के लिए ये बाइक बनाया ही नहीं है। KTM स्टैंड्स नेक्स्ट टू परफॉर्मेंस। जो जो परफॉर्मेंस फीचर्स इस बाइक में मिलते हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन मेरे ख्याल से पूरा गेम चेंजर है। दैट वाज़ द क्विक शिफ्टर लोड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एक शॉर्ट सा वीडियो था, मैं वो बाकी इन्फ्लुएंसर्स जैसा ये नहीं हूँ कि बोतल लगा के झूल लटका के माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ। सो आपको अगर और कोई क्वेश्चंस रहेगा इस बाइक के बारे में, आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू मोटोजो। 390 से और कुछ अगर रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट पे लिख सकते हो, माइलेज के अलावा, बोतल वाला माइलेज टेस्ट के अलावा अगर कोई वीडियो चाहिए तो। सो दैट्स ऑल फोक्स, आप मुझसे इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट कर होके रहना, बिकॉज इंस्टा में मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, यूट्यूब में पैसा वैसा नहीं मिल रहा, तो मुझे अपने से ही GT लेना पड़ा।